कहाँ है यहाँ का एसपी, डीएम कहाँ है, यहाँ का दरोगा कहाँ है, तो लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है। लापता बच्चे के परिजन व सामाजिक संगठनों के द्वारा बच्चे की सकुशल वापसी की मांग को लेकर एक विरोध मार्च निकाला गया, जो एडीबी चौक से होकर चांदनी चौक होते हुए समाहरणालय परिसर पहुंचा, जहां पर परिजन अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। परिजनों को अररिया का मुद्दा सहित कई सामाजिक संगठन का साथ मिला है। परिजनों का आरोप है कि सिमराहा पुलिस बच्चे की तलाश को लेकर कोई रुचि नहीं ले रही है। विदित हो कि एक माह पूर्व डोरिया सोनापुर निवासी मोहम्मद इमरान का 3 वर्षीय पुत्र रैयान गायब हो गया था, जिसको लेकर सिमराहा थाना में शिकायत दर्ज कराई गई थी। शनिवार को परिजन सांसद प्रदीप कुमार सिंह से मिले। अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि किसी का मासूम बच्चा खोया है, पुलिस खोजने में अब तक विफल है या जंगल राज है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता फैसल यासिन ने कहा कि बच्चा किसका है ये मायने नहीं रखता है, बच्चों के लिए हम हर जनप्रतिनिधि से मदद मांग रहे हैं, पुलिस से जल्द बच्चे की खोजबीन करें। वहीं बच्चे के पिता इमरान व माता बीबी रूबी ने भावुक अपील करते हुए कहा कि मेरी जमीन घर द्वार सब ले लो, लेकिन मेरा बच्चा मुझे दो। एक बच्चा गायब हुआ है, वो किसका बच्चा ये फर्क नहीं पड़ता है, हम सबसे मदद मांग रहे हैं, सब जनप्रतिनिधि से मांग रहे हैं और उनसे गुजारिश कर रहे हैं, अगर आप जनप्रतिनिधि होने का हक अदा न कर सकते हैं तो आप कृपया रिजाइन कर दें, रिजाइन प्लीज। अब इसी क्रम में हम सभी नेता के पास जाएंगे और अररिया एमपी के पास भी आए हैं हम। मैं तो चैनल के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से प्रशासन को बता देना चाहता हूं, इस विषय पर हमारी बात पहले भी लोग मेरे घर आए थे, हमने एसपी से भी कहा था, डीएसपी से भी कहा था कि आखिर बच्चा कहाँ है, 3 साल का किसी का मासूम बच्चा गायब हो जाए, वह नहीं मिलना, इससे बड़ा जंगल राज का परिचय क्या होगा। ये जंगल राज ही तो है, इसीलिए तो हम लोग कहते हैं रोज की जंगल राज हो गया है। अगर प्रशासन में दम है तो उनको साबित करना चाहिए, निकालना चाहिए, आखिर डेथ बॉडी कहाँ गया, बच्चे हैं कहाँ। तो ये जवाबदेही, यह दायित्व अररिया प्रशासन का है, प्रशासन को करना चाहिए और इसमें प्रशासन विफल है। पूरे बिहार में रोज इस तरह का घटना घट रही है, लेकिन नीतीश कुमार जी पूरा जो है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने के लिए अग्रसर है, दर्जनों प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है, तो बिहार की जनता मर रही है, अपहरण हो रहा है, गुंडागर्दी हो रहा है, अफसरशाही चरम सीमा पर है और उसका ही परिणाम है इतने दिनों के बाद भी प्रशासन बच्चे को नहीं निकाल पाना, यही बतलाता है कि यह विफल है, पूरे तरह से प्रशासन सोया हुआ है। नीतीश कुमार का प्रशासन पर कोई अंकुश नहीं है और प्रशासन मनमानी ढंग से अपने ढंग से बिहार को चला रहा है, धन उगाही कर रहा है, भ्रष्टाचारी लोग काफ़ी सब भ्रष्ट हो चुका है। इसी का यह कड़ी है कि आज लोग हमारे घर में लोग यहाँ जुलूस लेकर के आया कि भाई हमको इंसाफ दिलाइए। तो मैं तो प्रशासन के कहूँगा, मैं तो नीतीश कुमार जी को कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी आप इन बच्चों को निकालो, आपने बड़ा बढ़िया काम आप रोज करते हैं कि रोज सरकार बदलते हैं साल 6 महीना में, अच्छी बात है करते रहो, लेकिन अररिया की जनता का हिफाजत कौन करेगा, यह भी जवाबदेही आपका है, इसलिए आपको ये करना चाहिए, करिए, अन्यथा ये पब्लिक है, पब्लिक को जब बीतेगी तो जब पब्लिक सड़क पर उतरेगी तो आपकी सरकार को पब्लिक उखाड़ के फेंक देगी, आपका जागीर नहीं है, ये जनता का राज है, लोकतंत्र है। सर एक सवाल, भेष बदलकर साधु के रूप में आज की घटना है, कुछ लोग पकड़ाए हैं बच्चा चोरी करते हुए, तो इस पर आम आवाम से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो भेष बदलकर घूम रहे हैं, ऐसी घटनाएं काफी आ रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे। अब इसीलिए तो मैं कहता हूँ ये जंगल राज है, अगर इस तरह की बात हो रही है तो इनका निगरानी कौन करेगा, कहाँ है यहाँ का एसपी, डीएम कहाँ है, यहाँ का दरोगा कहाँ है, तो लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है। अब जनता को लगता है कि अपना हिसाब अपने ही करना पड़ेगा, तो सब सजग रहे, लोग सजग रहे और जो कुव्यवस्था है इसका खिलाफ हम लोग अब सड़क पर उतरने वाले हैं। आपके शहर अररिया में खुल गया है अमन जापानी स्टील वर्कशॉप, यहां आपको मिलेगा नए नए डिजाइन के जापानी चदरा से बनी चौखट, खिड़की एवं 3D दरवाजे, अलूमिनियम और फाइबर के दरवाजे एवं मटेरियल्स भी आकर्षित रेट में उपलब्ध है। जापानी चदरा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें जंग नहीं लगती है, तो देर किस बात की,
आज ही संपर्क करें अमन जापानी स्टील वर्कशॉप, NH 57 मदनी मस्जिद के बगल में गोढ़ी चौक अररिया। मोबाइल नंबर 8115232746।